कोरोना काल में जन्माष्टमी का जश्न जो फीका पड़ गया था, अब उसमें फिर से रौनक आ रही है। मुंबई में जगह जगह दही हांडी का आयोजन भी किया जा रहा है, तो मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजा दिया गया है। दो साल बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में रौनक लौटी है, भजन से मंदिर गूंज रहे हैं। इधर मुंबई दो साल बाद तैयार है अपने गोविंदा के साथ। जी हाँ, इस बार धूमधाम से फोड़ी जाएगी दही हांडी, लूटी जाएगी धमाल मस्ती। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में गोविंदा दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रो गोविंदा लीग भी शुरू की जाएगी। गोविंदाओं को जख्मी होने पर 5 लाख और अनहोनी पर 10 लाख तक की मदद दी जाएगी। दही हांडी में हिस्सा लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में भी जगह दी जाएगी। दही हांडी का मुख्य आकर्षण होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र थाड़े में, जहां आज उनकी शिवसेना की अगुवाई वाले गुट और उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से दही हांडी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, यानी जमकर होगा शक्ति प्रदर्शन। वहीं वर्ली में बीजेपी के दही हांडी में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। इस बार की दही हांडी में आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की भी झलक देखने को मिलेगी।